इनकी जांच कराई जाए और एक्चुअल जो स्थिति है वो मंत्री जी स्पष्ट करें। जांच के लिए कहा है उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को हर प्रश्न पे खड़े होने की आदत सी हो गई है। आप ये काम मेरा है, ये काम मेरा है। आदत नहीं अधिकार है, आदत नहीं अधिकार है, अधिकार 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 है। ऐसे नहीं, अरे बैठे अधिकार है, बैठिए। आप व्यवस्था देने वाला उंगली और कर रहा है मंत्री। अरे मंत्री मेरी तरफ उंगली कर रहा है अध्यक्ष जी। बैठ गया है हरिमोहन जी, आप तो अपनी सीट पे भी नहीं है। बोरा जी आप अपनी सीट पे रहिए, आगे जाकर बैठिए, ये काम मेरा है। अरे मैंने कह दिया जो कहना था, बैठिए। और शायद जब मैं ये बात अपना... अरे कह दिया, अरे व्यवस्था दे, आपको खड़े होने की आदत है क्या? हाँ मैं, अरे मैंने कह दिया मुझे व्यवस्था देनी थी, मैं दे दी मैंने। अरे सब एक साथ खड़े हो जाते हो, व्यवस्था मेरे जिम्मे। अरे बैठ जा मत, आप बैठिए। अब आपको क्या हो गया? अरे आप अस्वस्थ हैं, आपके प्रश्न नहीं आएंगे, उत्तर नहीं आएंगे। फिर जवाब मत दो यार, नहीं आएंगे तो अब आपका प्रश्न नहीं रखूंगा, ज्यादा करोगे तो तमाशा कर रहे हो। चलिए आगे, आगामी श्री जसवंत सिंह यादव। मैं जवाब दे दूं साहब इनका। 2640 जी हाँ, नहीं दिलाइए तो नहीं। सहकारिता विभाग द्वारा, माननीय मंत्री महोदय जवाब आपका आ गया, मुझे दो एक आध चीज पूछनी है, बता दीजिए। प्रश्न पूछिए, जवाब आ गया, मैं अपनी बात। ठीक है चलो बैठिए, प्रश्न आ गया, पूरक प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे मैंने जो सदस्य ज्यादा डिस्टर्ब करेगा उसका प्रश्न फिर रुक जाएगा, उसका उत्तर ही नहीं चाहिए तो मैं काहे के लिए दूं। प्रश्न काल शांति से चलने दिए, उत्तर आ रहे हैं, आपके नेता को अनुमति दे रहा हूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठे बैठे बोलना मना है, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, खड़े तो नियमों में आओगे तो ही दूंगा। अरे फिर मैं आपको विनम्र करूंगा, आप प्रश्नकाल में डिस्टरबेंस मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, कान खोल के सुन लो। प्रश्नकाल में कोई भी खड़ा होगा बैठिए, हाँ ये मेरा काम है, कोई नहीं खड़ा हो रहा है, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? जब आपके नेता, फिर मैं नेता को अनुमति देना भी मेरे मुंह बंद करना पड़ेगा यदि इस तरह आप सब खड़े होंगे तो। यार तमाशा बना रहे हो सदन को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और किसान का एक भविष्य का सवाल है कि हरियाणा में जो भी लाई जाती है अपने बिक्री केंद्र पर सरसों, उसका पूरा खरीद लिया जाता है। तो मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक बात पूछना चाहता हूं। थोड़ा माइक माइक के नज़दीक बोलिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। आपकी आवाज़ गूंजेगी। कि हरियाणा में पूरी फसल को, पूरा भी सरसों को खरीद लिया जाता है। प्रश्न पूछिए। तो आपके खरीदने में किसान की फसल को कितना क्विंटल लिमिट बना रखी है और क्या हरियाणा की तर्ज पे सारी सरसों को खरीदना कोई संभावना है या नहीं है? माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार